दिनांक 31/1 की रात को थाना गोसाईगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र स्थित गोसाईगंज मोहनलालगंज रोड पे गणेश धर्मकांटा के पास एक ट्रक चालक के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो एक काली रंग की कार से आ रहे थे उनको रोक के उनको उनके ट्रक से उतार दिया गया है और उनके परिचालक को अपने साथ ले गए हैं, साथ में ट्रक भी ले गए। इस सूचना पर तत्काल गोसाईगंज टीम रवाना हुई, वहां पे उच्च अधिकारी दलों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और इस पे सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान इसमें तीन टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना गोसाईगंज की टीम, सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन और सीपी महोदय की क्राइम टीम को भी इन्वॉल्व किया गया। टीम द्वारा कैमरे देखना और सर्विलांस डेटा कलेक्ट किया गया और अथक प्रयासों के द्वारा 2 तारीख को हमें ट्रक में सामान के साथ बरामद हो गया। इसी क्रम में आगे जांच करते रहे, जांच में हमारे द्वारा कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से 1 बाल अपचारी है। इनके कब्जे से 1 नेक्सॉन गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त करी गई थी, 4500 रुपये नगद और 6 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए पैसे जुगाड़ने के लिए घटना को इन्होंने कारित किया था। इनके द्वारा एक जानबूझ के पुराना ट्रक चुना गया जिसमें इनको था कि इसमें GPS सिस्टम नहीं होगा। उस आधार पर ये वहां से ट्रक को ले गए और दुबग्गा मंडी में उसको मोरन को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जहां ट्रक फंस जाने के कारण इन्होंने ट्रक को वहीं छुपा दिया था ताकि उसको बाद में बेच सकें। इसमें मुख्यतः 7 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त हैं जिसका एक का नाम विकास रावत है जिसके पूर्व में 4 मुकदमे इन पर दर्ज हैं और दूसरा अभिषेक यादव है जिसमें 3 मुकदमे दर्ज है जो पहले लूट में जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये आपस में सातों इंटरलिंक कैसे हैं सर, दोस्ती कैसे हुई है? ये सब आपस में रहते हैं, एक दूसरे के दोस्तों के थ्रू कॉमन उससे कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से और साथ में ये पार्टी कर रहे थे 31 तारीख को। जब इनके पैसे खत्म हो गए तब इन्होंने प्लान बनाया कि और पैसे के लिए कहीं पे लूट की घटना कर लेते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।